नमस्कार दोस्तों, आगरा की रसोई में मैं वर्षा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर एक नई रेसिपी, तो वो भी हम लौकी से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। लौकी से नाश्ता बनाने के लिए हमने ली है 250 ग्राम की ये लौकी, तो मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, तो इस सभी को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो बारीक वाला कद्दूकस करना है, सभी लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर दिया है, तो इसे हम एक बाउल में डाल लेंगे। पानी इसका मैंने नहीं निकाला है। लौकी के साथ ही गेहूं का आटा डाल लेंगे, तो अभी एक कप आटा डाल रही हूँ, एक इंच अदरक, तो इसको भी ग्रेट कर देंगे। इसमें दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटा हरा धनिया, एक चौथाई चम्मच हल्दी कलर के लिए, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आप लाल मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हींग। सबसे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीजें देखिए, लौकी के पानी से ही हमने गूंद ली है, तो इसमें हमें आधा कप गेहूं का आटा और ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर से, और एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। देखिए, डेढ़ कप आटा मैंने उसी लौकी के पानी से गूंद लिया है, और इसमें बिल्कुल भी पानी यूज नहीं किया है, तो एकदम इस तरह से डो की तरह तैयार कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लेंगे इस तरह से, और इसको रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से चिकना करके इसको हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे इस तरह से। नाश्ते के लिए देखिए, सभी लोइयां मैंने तैयार कर ली हैं, तो अब इसको बेल लेंगे। देखिए, सभी पूरियों को मैंने बेल लिया है, तो इसे हम सेक लेंगे। उसके लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तो इसमें डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो इसमें मैं दो पूरी डाल देती हूँ, इसे हल्का सा इसे इस तरह से प्रेस करेंगे, पलट देंगे। देखिए, लौकी की पूरी हमारी सिक गई है, एकदम क्रिस्प पूरी बनी है, तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। लौकी और गेहूं के आटे का नाश्ता बनके तैयार है। बहुत पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।